सामरी इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो ये रहा करीना कपूर का फेस। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि मीडिया वालों के सामने वो किस टाइप का फेस बनाती है, मतलब कितनी एटीट्यूड में रहती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू चैनल में जिसका नाम है फन एक्सप्रेस। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। करीना कपूर को तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो एटीट्यूड में इतनी रहती है कि कभी कभी वो अपना काम ही बिगाड़ लेती है। जैसे कि उनकी हाल में ही फिल्म आई थी लाल सी चड्ढा, उसकी क्या हालत थी वो हम सभी से छुपा नहीं है। मतलब पूरी तरीके से लोगों ने उसे बायकॉट कर दिया है। और उस फिल्म के बायकॉट होने के बाद, उस फिल्म के ना चलने के बाद करीना कपूर बौखला सी गई है। पहले तो वो मीडिया वालों से ये कहा, उन्होंने लोगों से ये कहा कि अगर तुम्हें पिक्चर पसंद आती है तो आप देखो, अगर नहीं आती तो मत देखो। आपको किसी ने बुलाया थोड़ी ना है। मतलब उनके इस बयान से सभी लोग भड़क गए। मतलब जितनी जनता थी उसको इसने सीरियसली ले लिया। और इसने सीरियसली लेने से जनता ने क्या अंजाम दिया लाल से चड्ढा को, वो हम सभी से छुपा नहीं, हम सभी जानते हैं। आई थिंक बाकी अगर लोगों को, जिस टीम को फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूंगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें, अपने बड़े मेहनत से फिल्म बनाएं। वो मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हुई। अब चूंकि वो मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है, उसके बाद से करीना कपूर का क्या रिएक्शन निकल के आ रहा है वो देखिए। पीछे जा यार। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि मीडिया वाले इतनी अटेंशन देते क्यों हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इतनी अटेंशन देने की क्या जरूरत है बॉलीवुड वालों की। मतलब आप एक तरफ लोगों को बायकॉट कर रहे हैं, पूरी जनता जो है वो बॉलीवुड को सिरे से नकार रही है, बायकॉट कर रही है। दूसरी तरफ जो है ये मीडिया उनके पीछे जा रही है, उनके फोटोज लेने आ रही है। मतलब ये हो क्या रहा है, मीडिया मतलब क्यों उनके पीछे जाती है। बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि वो इतनी खराब से बेइज्जती करते हैं मीडिया वालों की, लेकिन मीडिया वाले, मैं तो ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं मीडिया वालों की ही गलती है। मतलब जनता बॉलीवुड पिक्चर को नकार रही है, बायकॉट कर रही है, लेकिन ये मीडिया वाले क्या करने एक्ट्रेस और एक्टर के पास आते हैं। करीना कपूर जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो देख सकते हैं आप किस तरह जनता और मीडिया वालों पर निकाल रही है। मतलब उनकी पिक्चर पिट क्या गई कि वो जितनी भी फ्रस्ट्रेशन और जितनी भी उसकी ब्लेम है वो सीधे जनता पे दे रही है। मतलब वो ये नहीं सोच रही है कि वो पहले उन्होंने किस टाइप के बयान दिए हैं, आमिर खान ने किस टाइप का बयान दिया जिसके कारण ये चीजें निकल के आ रही हैं, जनता जो है उनकी पिक्चर को क्यों नकार रही है, ये सब चीजें उनके दिमाग में नहीं आ रही। उनके दिमाग में ये आ रहा है कि लोगों ने मुझे बायकॉट किया है तो मैं ऐसे ही एटीट्यूड के साथ लोगों के सामने नजर आऊंगी। और ये मीडिया वाले को देख लीजिए, मतलब मीडिया वाले को क्या ही कहना भाई, लगता है कि जैसे उनसे इनकी रोजी रोटी चलती है। मतलब मीडिया वाले जहां देखो फोटो और कैमरा उठा के चले जाते हैं। करीना कपूर को देख सकते हैं कि पार्टी से निकलते टाइम वो इतना संभल के चल रही है कि कहीं वो मीडिया वालों के सामने गिर ना जाए और कल होके उनकी न्यूज ना बन जाए। इतने सस्ते नशे करके कौन निकलता है भाई। ये बॉलीवुड जो है वो कितना भी अपने आप को छुपा ले, लेकिन मीडिया वालों से बचकर ये नहीं जा सकते, क्योंकि मीडिया वालों को और कोई काम है नहीं। वो देखो जहां देखो वो कैमरा उठा के चल देते हैं। सेलिब्रिटीज है, कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो कि ऑडियंस को ऐसे लेते हैं जैसे ऑडियंस कितनी मतलब डर्टी और कितने से बिलोंग करते हैं। इस टाइप से वो अपने एटीट्यूड को दिखलाते हैं लोगों के सामने, जैसे जनता उनकी कुछ नहीं है, जनता से ही वो कुछ सब कुछ है लेकिन वो कुछ नहीं समझते जनता। लेकिन जहां तक उनकी हाइजीन के बारे में बात की जाए कि तो सेलिब्रिटीज को आप देख सकते हैं आए दिन ये मीडिया में आ रही है कि वो कितनी हाइजीन है वो तो सभी जान रहे हैं। करीना कपूर को देख लीजिए, वो अपने गंदे नाखूनों को चबाती रहती है। आलिया भट्ट को तो आपने देखा ही होगा, ये देखिए आलिया भट्ट का, मतलब क्या ही बोलूं। इस सेलिब्रिटीज जितने बाहर से साफ और नीट एंड क्लीन दिखते ना, उतने हैं नहीं अंदर से। रणबीर कपूर को देख लीजिए, मतलब उनकी नाक साफ करने की जो आदत है वो तो कैमरे पे भी नजर आ गई। सोचिए ये मतलब सेलिब्रिटीज अपने आप को क्लीन होने का जो दावा करते हैं ये कैमरों से बच नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर ये रहा बॉलीवुड का हाल, जिसमें करीना कपूर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई आजकल क्योंकि उनकी पिक्चर नहीं चली। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके सामने ये वीडियोस लाऊं जो कि उनकी जो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स जो हमेशा रही है वो आगे भी चल रही है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं कहूँगी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय।